अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा। ट्रैवल एडवाइजरी और कोविड वैक्सीन को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं। बहुत सारे लोग सुबह से आए हैं जिन्होंने जो कि अपने साथ अपना पासपोर्ट और अपना वर्क वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा लेकर आए हैं कि हमें ये वैक्सीन लगा दें। तो मैं आपको बार बार ये बताती चलूँ कि ये बिल्कुल सही है कि अगर आपके पासपोर्ट के अंदर स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा लगा होगा तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी एज, अगर आप 18 से ऊपर हैं तो आपको हम वैक्सीन बिल्कुल लगा देंगे और किसी भी गवर्नमेंट सेटिंग में आपको वैक्सीन लग जाएगी। लेकिन ये भी साथ साथ बताती चलूं कि तब आपको सिर्फ और सिर्फ साइनोवैक वैक्सीन लगेगी, आपको एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नहीं लग सकती। इवन दो सऊदी अरब और बहुत से कंट्रीज हैं जिन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको या तो फाइजर या जॉनसन एंड जॉनसन या मॉडर्ना या एस्ट्राजेनेका ही एक्सेप्ट होगी, लेकिन पाकिस्तान में फाइजर और मॉडर्ना और जॉनसन और जॉनसन मौजूद नहीं है, ना ही उसके जुलाई तक या आगे आने के इम्कान है। उसको टेम्परेचर स्टोर करने के लिए भी -70 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है और उसको इस वक्त लाना बहुत मुश्किल है। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 3 किस्म की वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं, जिसमें कि 2 चाइनीज हैं, साइनोफार्म और साइनोवैक। साइनोफार्म आपको पहले लगाई गई थी और अब भी जिन लोगों को फर्स्ट डोज साइनोफार्म की लग गई थी उनको सेकेंड डोज साइनोफार्म की लगाई जा रही है। कन्वेंशनल चाइनीज वैक्सीन है। जो साइनोवैक है इस वक्त वो जो है 30 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगाई जा रही है, 18 साल से ऊपर के हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जा रही है और वो सारे लोग जिनके पास पासपोर्ट के अंदर स्टूडेंट वीजा है या वर्क वीजा है या किसी भी और कंट्री को ट्रैवल कर रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट वैक्सीन है, उन्हें साइनोवैक लगाई जा रही है अगर वो 30 से ऊपर, अगर वो फॉर एग्जांपल 18 से ऊपर है। लेकिन अगर वो 40 से ऊपर है तभी उनको एस्ट्राजेनेका लगाई जा रही है। बहुत सारी कंट्रीज जो कहती हैं कि हम एस्ट्राजेनेका को ही एक्सेप्ट करते हैं, उनके बहुत सारे यंग बच्चे भी हमारे पास आ रहे हैं 20s में और 25-30 में और कह रहे हैं कि हमें एस्ट्राजेनेका लगाओ, पर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि एस्ट्राजेनेका 40 से कम को नहीं लगाई जा सकती। इसलिए यूरोप में डिफरेंट किस्म की कंट्रीज में जहां एस्ट्राजेनेका की नई गाइडलाइंस के साथ उसको रिज्यूम किया गया है उसमें भी कहा गया है कि हम यंग एज ग्रुप में एस्ट्राजेनेका नहीं लगा सकते। और जो लोग कह रहे हैं कि हमें फाइजर या मॉडर्ना या जॉनसन एंड जॉनसन लगाएं, उनको भी बताया जा रहा है कि उस यहां पे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह कुछ अरसे तक कोशिश है कि सऊदी गवर्नमेंट और बाकी गवर्नमेंट्स जो हैं वो चाइनीज़ वैक्सीन आपकी साइनोफार्म और साइनोवैक को एक्सेप्ट करने लगें, लेकिन उस वक्त तक, इस वक्त तक तो यही आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आप 40 से नीचे हैं और 18 से ऊपर हैं और तो आपने ट्रैवल करना है तो आपको साइनोवैक लगेगी। साइनोफार्म की अगर पहली डोज लग चुकी है तो साइनोफार्म की दूसरी डोज लग जाएगी और अगर आप 40 से ऊपर हैं तो आपको एस्ट्राजेनेका लगेगी। एस्ट्राजेनेका वायरल वेक्टर वैक्सीन है जो यूरोपियन है। और दूसरे नंबर पे जो आप मैंने दूसरी दो कही हैं आपको साइनोफैक और साइनोफार्म जो है वो आपकी चाइनीज वैक्सीन है। जो बाकी अमेरिकन वैक्सीन है फाइजर या फिर आपकी बायोटेक है जॉनसन एंड जॉनसन है या आपकी स्पुटनिक वैक्सीन भी जो रशियन वैक्सीन है वो भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में रशियन वैक्सीन कुछ अर्सा पहले लगाई गई थी पर उसकी भी सारी सप्लाईज खत्म हो चुकी हैं और रशियन वैक्सीन भी बहुत सारी जगहों पर एक्सेप्टेड नहीं है। इस वक्त जो एक्सेप्टेड वैक्सीन की लिस्ट में से सिर्फ एस्ट्राजेनेका का है और वो भी सिर्फ अबव 40 के लिए जो है वो अवेलेबल है। तो अगर आपके ट्रैवल प्लान्स हैं कहीं से भी आने के लिए तो सबसे पहले आप उनसे मेक श्योर करिए कि कौन सी वैक्सीन कहां पे एक्सेप्टेबल है और पाकिस्तान में आपको कोई कुछ भी कहे इस वक्त यही 3 वैक्सीन जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। दूसरे नंबर पे वैक्सीन के बीच में गैप होता है, साइनोवैक और साइनोफार्म के बीच में जो है 21-28 डेज गैप होता है और जो आपकी एस्ट्राजेनेका है उसके बीच में 70-80 डेज का गैप होता है। अब इस गैप के दौरान अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट डोज लगने के बाद एक रिसीट मिल जाएगी जिसमें लिखा होगा कि आपको इस वैक्सीन की डोज फर्स्ट ये लगाई गई है और आप एलिजिबल हैं कि दूसरी डोज आप जाके अपने कंट्री ऑफ अराइवल में वही वैक्सीन लगवा लें। अगर आपने 2 डोजेस ही यहां पे कंप्लीट कर ली है तो आपको एनसीओसी से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तरीका यही है कि आप अपना सीएनआईसी नंबर 1166 पे भेजते हैं, आपको कोड मिलता है और उस कोड के साथ आप किसी भी डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर G8 मरकज में आ सकते हैं। आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर्टेनिंग कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, एलर्जी नहीं है, कोविड पॉजिटिव इस वक्त तो नहीं है, आपको कोविड एंटीबॉडीज तो नहीं लगी, कीमोथेरेपी तो नहीं हो रही, कैंसर तो नहीं है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स तो नहीं ले रहे, आपका डायबिटीज जो है अनकंट्रोल तो नहीं है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज अनकंट्रोल तो नहीं है, डीडाइमर रेस तो नहीं है, क्लॉटिंग या ब्लीडिंग में कोई मसला अगर नहीं है तो ये सब कुछ पूछ के आपको वैक्सीन लगा दी जाती है। तो ये प्लीज देख लीजिए, अपने ट्रैवल गाइडलाइंस को समझ लीजिए और उसी वक्त फिर आप ट्रैवल कीजिए। उम्मीद है जल्द से जल्द ये वाली वैक्सीन्स भी अप्रूव हो जाएंगी।